देश की अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है, या यूं कहें बेहतर ट्रांसपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। रेल यातायात का भारत जैसे बड़े देश में विशेष महत्व है। भारत के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली रेल लाइनें अत्यधिक यात्री और माल की ढुलाई के कारण बहुत व्यस्त हैं। इन लाइनों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तथा यातायात में कमी, दुर्घटना में कमी, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने, बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार देश में माल परिवहन ढांचे को बेहतर करने के लिए रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, जो औद्योगिक क्षेत्र के सामान को कम लागत, तेज गति और अधिक विश्वसनीयता के साथ पहुंचाने का काम करेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम काफी पूरा हो चुका है और बाकी का काम तेजी से पूरा होने जा रहा है। इस कॉरिडोर के बन जाने से नई दिल्ली से हावड़ा गाड़ी हमारी 24 घंटे में पहुंच जाएगी और ये देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देश की एनर्जी की बचत होगी, देश के कार्बन फुटप्रिंट्स में हमारे बहुत सारी बचत होगी और इसके अलावा हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसलिए हम सारे लोग इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कमीशन करने के लिए अथक प्रयासरत हैं और ये एक उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। ये है DFCCI के भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का पहला मेजर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज ETMJ-1, जिसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। इसको पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई है टाटा एल्डसा JV नोएडा ने, जो कि HMM के सहयोग और DFCCI और साई सिस्टा PMC की निगरानी में इस काम को पूरा कर रही है। सभी के सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि आज ये 75.335 मीटर लंबा और 750 टन का विशालकाय रेलवे फ्लाईओवर ओपन वेव गर्डर लॉन्चिंग के लिए तैयार हुआ है। इस ओपन वेव गर्डर को बनाने में सुरक्षा और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये आज हम ETMJ-1 की लॉन्चिंग का अपलाइन गर्डर लॉन्च कर रहे हैं। इस गर्डर को अब फैब्रिकेट और असेंबल करने में अराउंड 6 महीने का काम टाइम लगा और पिछले 3 महीने से इसका लॉन्चिंग और असेंबल एट साइट का काम हो रहा था। इस 750 टन वजनी ब्रिज को डिजाइन करने और फैब्रिकेट करने में लगभग 1.5 साल का समय लगा, वो भी तब जब कुशल और अनुभवी इंजीनियर्स और कुशल टेक्नीशियंस की एक बड़ी टीम ने इस पर दिन रात काम किया। रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज की डिजाइन क्वालिटी अच्छी रहे, इसके लिए रॉ मटेरियल चेकिंग, कैम्बर चेकिंग प्रक्रिया को एक सुनियोजित प्रक्रिया से अच्छे से किया गया। इसके बाद PMC, RDSO और DFCCI से क्लियरेंस मिलने के बाद इसके मटेरियल को साइट पर लाया गया। इसके बाद काम शुरू असेंबल करने का, जिसके लिए लगभग 6 महीनों से रातों दिन 24/7 यहां के कुशल इंजीनियर्स और टेक्नीशियन और वर्करों ने इसे बनाने का बीड़ा उठाया। स्टील के अलग अलग गर्डर को जोड़ने के लिए 44,000 बोल्ट का इस्तेमाल इस ब्रिज को असेंबल करने में हुआ। नट बोल्ट ठीक से फिट हुए हैं कि नहीं, इसके लिए 100% टेक्निकल इंस्पेक्शन किया गया, जिसके सुनिश्चित होने के बाद इसको पेंट किया गया। इसके बाद फाइनल कैम्बर चेकिंग की क्लियरेंस मिलने के बाद इसकी लॉन्चिंग की तैयारी शुरू की गई। रेडी हो जाइए। दिस इज द बोल्टेड कनेक्शन ब्रिज, द बोल्टेड वेयर वी हैव यूज्ड HSFG बोल्ट्स। If you are not checking 100% of the torquing, there may be the issue of the grip. Because if you are not checking the 100% of the torquing, whatever the friction grip required, that will not be achievable. For this, we are checking the 100% of the torquing of each and every bolt. There we have checked at least 44,000 of the bolts. That is the requirement of the torquing. And the second requirement is the camber. Camber is, if you are not checking properly camber, then after the self weight of the bridge, it may be there is a tent to settle the bridge with if you are not ensuring the required camber.
ये रेल ओवर ब्रिज हावड़ा दिल्ली मेन रेलवे लाइन के ऊपर था। 750 मीट्रिक टन वजन, 75.335 मीटर स्पैन, 7.250 मीटर चौड़े इस रेलवे फ्लाई ओवर ओपन वेव गर्डर को 11 मीटर ऊपर रेलवे लाइन पर लगभग 100 मीटर लॉन्चिंग के लिए जरूरी था पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अधिकारियों की भी कोशिश थी कि कम से कम ब्लॉक सेक्शन में इस काम को पूरा किया जाए जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे बेहतर हिल मैन रोलर सिस्टम तकनीक के जरिए कैंटिलीवर लॉन्चिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। 20 टन विंच पुलिंग सिस्टम के जरिए एक सीव और चार सीव पुली का प्रयोग किया गया। इसमें पुलिंग के लिए 20 मेट्रिक टन की विंच पुलिंग विंच एंड पुलिंग रोप अरेंजमेंट से पुलिंग हुई है और खास बात यह है कि इसमें जो पुली यूज की गई है एक सीव और चार सीव ये दो प्रकार की पुलिस है इसको हम किए। ब्लॉक मिलने से पहले ही पुलिंग की पूरी तैयारी कर ली गई और जैसे ही ब्लॉक मिला विंच पुलिंग के जरिए अबटमेंट 1 से ओपन वेव गर्डर को लॉन्चिंग के लिए धीरे धीरे विंच पुलिंग के जरिए खींचा गया। पूरी सावधानी रखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया। ओपन वेव गर्डर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधा रहते हुए निश्चित जगह पर पहुंचे इसके लिए बड़ी सतर्कता से काम किया गया। 40 मीटर लॉन्चिंग के बाद बारी थी रेलवे लाइन पर लॉन्चिंग की जो सभी के लिए चैलेंजिंग थी। यहां पर कोई भूल ना हो इसके लिए पूरी सावधानी से एक बार फिर जांच की गई और सभी पहलू देखने के बाद इसे दोबारा आगे बढ़ाया गया। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए DFCCI, टाटा एल्डसा JB, HMM और PMC के बड़े अधिकारी मुस्तैदी से साइट पर मौजूद थे। 40 मीटर लॉन्चिंग के बाद बारी थी रेलवे ट्रैक पर इसे आगे बढ़ाने की जिसके लिए सबसे ज्यादा सावधानी और सतर्कता की जरूरत थी। अनुभवी टीम और कुशल कारीगर पूरी सतर्कता से लगे हुए थे इसलिए काम के समय जो भी समस्याएं आईं उनका तुरंत समाधान किया गया। धीरे धीरे लॉन्चिंग के लिए विंच ने खींचना चालू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपन वेव गर्डर अबटमेंट 1 से अबटमेंट 2 के सिरे को छू चुका था। वी हैव कंप्लीटेड द सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लॉन्चिंग ऑफ आवर ETMJ-1 गर्डर ऑफ 76 मीटर लेंथ ओके विच वॉज वेरी चैलेंजिंग जॉब and it took for 6 months for completing all the job and this was done as a challenge to all our team and it was totally due to teamwork. I congratulate my team and all our staff for completing this job without any problem. कुशल अनुभवी मेहनती टीम और बेहतर तकनीक का नतीजा था कि इस विशाल 750 मीट्रिक टन के ओपन वेव गर्डर को व्यस्त रेलवे लाइन के ऊपर तय समय में लॉन्च किया जा सका। DFCCI और टाटा एल्डसा JV के कुशल इंजीनियर्स का कमाल है कि बेहद कम समय सीमा में इस काम को अंजाम दिया गया। इसके लिए इस अनुभवी मेहनती टीम को मुबारकबाद।